हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं वर्खा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, ये सब हमारी टीम है और भी कई लोग जुड़ गए हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा हमारे चैनल पर, भरत सर है, मैं हूँ, ज्योति जोशी मैम है, सोनम नागर मैम है, शुभेंदु मुखर्जी सर हैं और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं आपके लिए एड ऑन होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ से सभी के लिए बहुत मतलब एक गुड न्यूज़ है कि मेरा जो है पेपर वन भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पेपर वन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम पेपर वन कब कराओगे, तो पेपर वन नेक्स्ट मंथ से 5 बजे MWF स्टार्ट होने वाला है। मतलब डेली मैं आपको 11 बजे मिलूंगी स्पेशल क्लास में। अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना मेरे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, हमारी पूरी टीम आपके साथ होती है, पूरे 100+ एजुकेटर्स होते हैं उनके साथ, आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है JRF क्लियर करना, तब देखिए मैंने हमेशा बोला है नेट का मत सोचिए कि आपको नेट क्लियर करना है, हमेशा ये सोचिए कि आपको JRF क्लियर करना है। उसके लिए आपको BS10 कोड लगाना है अगर आपको प्लस का कोर्स लेना है। BS10 लगा के क्या मिलेगा आपको, 10% का ऑफ मिलेगा। अगर आप डेली लाइव क्लासेस वहां पर लेते हैं, देखिए वहां पर क्या क्या आपको मिलता है, वहां पर मिलता है डेली लाइव क्लासेस। ठीक है, उससे आपकी तैयारी बेहतर होती है, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं। ठीक है, पोल वाला सेक्शन हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम यूट्यूब पे भी आपके लिए पोल लेकर आ गए हैं। जल्दी ही सभी चीज़ों में वो वाला पोल जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहे। ठीक है, किस तरीके से, मतलब इन्वॉल्वमेंट उसमें रहे। चलिए, वहां पर और क्या मिलता है अगर आप प्लस क्लास लेते हैं, वहां पर मिलता है आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। डेली आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, टाइम भी रहता है। ठीक है, तो बार बार टेस्ट दे सकते हैं आप अपना। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, स्ट्रक्चर तरीके से पूरा कोर्स कराया जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपको पूरा। देखिए, एक तो पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, सारे पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। कभी मत सोचिएगा कि मैम वहां पर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वहां पर आपको 100+ टीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब है कि सारे टीचर्स है जो आपको मिलकर पूरा कोर्स पूरा करा रहे हैं। अगर किसी टीचर से बाय चांस कोई टॉपिक कोई कोर्स रह जाता है तो दूसरे बहुत सारे टीचर्स हैं जिससे आप वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, पेपर वन पेपर टू दोनों का एक्सेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है, उसके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। जी, यूट्यूब पर जो MWF वाली होगी ना, ये हमारी यही वाले चैनल पर होगी क्लास के जस्ट बाद, और जो दूसरी क्वेस्ट वाली होती है हमारी TSS में, वो हमारी क्वेस्ट वाले चैनल पर होगी। ठीक है, और डेली संडे आपका मैराथन होगा, जैसे कि पता ही है। इस वाले संडे नहीं होगा, इस वाले संडे नहीं होगा, नेक्स्ट वाले संडे होगा ही होगा। ठीक है, तो डेली आपका मैराथन होगा संडे को, जैसे कि हमारा होता आया ही है। आपको प्रैक्टिस में डेली करवाने वाली हूँ, स्पेशल क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में अब डेली पोल आपका होने वाला है, और जो लोग विनर रहेंगे उनके लिए भी कुछ हमने सोचा है अच्छा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़े और हमारी क्लास को और बेहतर बनाइए। आप लोग लाइव लर्नर हमें चाहिए बहुत सारे, मतलब मुझे चाहिए 100। देखिए, मेरा ड्रीम है कि 100+ स्टूडेंट मेरे हमेशा लाइव रहे। ठीक है, तो वीडियो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये भी फायदा मिल जाता है। आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वीडियोस डाउनलोड नहीं हो सकती, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वहां पर भी आप अनअकैडमी के ऐप में अगर वो आपकी वीडियो सेव है तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे, ये लोगो देखेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर आपके पास यहाँ पर अपना गोल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, अपना गोल सिलेक्ट करेंगे NTA UGC NET। फिर आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें आप BS10 कोड लगाएंगे, तो 976 का जो है वो पड़ेगा आपको 886 का एक साल का, और 24 मंथ का आपको पड़ेगा 700 रुपये महीने का जो है वो पड़ेगा 630 रुपये का महीने का। ठीक है, तो इतना सस्ता ये आपको पड़ जाता है, मतलब अगर इकट्ठे आप देंगे तो आपको 10,395 का पड़ेगा ये पूरा कोर्स एक साल का BS10 कोड लगाने के बाद। ठीक है, क्लियर है, अब देख लेते हैं। चलिए, कौन कौन आ गया है, रोहित जी गुड आफ्टरनून, चालू मौर्या, ऐशिका जी, लगता है आप बहुत दिनों से हमें मिस कर रहे थे सभी लोग। क्लासेस एक्चुअली क्या है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उससे पहले भी हमारी जो क्लास हुई थी आई थिंक स्पेशल में हुई थी और एक वायरल हुई थी पॉलिटिकल साइंस की हमारी, थोड़ा सा मंडे में, ये आज ट्यूसडे में हो रही है। एक्चुअली बच्चों देखो, आपका यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने। ठीक है, एक बस हमारा रहता है
जियाउद्दीन बरनी, बरनी और करना है हमें इसके बाद। इसके बाद हमारा पूरा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं प्रॉमिस किया है आपको कि मैं पूरा पूरा यूनिट आपको कराऊंगी, इकबाल वाला इसमें टॉपिक जो है मैंने स्पेशल क्लास में पहले करा दिया था, इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं कराऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ से मैं नया यूनिट, यूनिट 5 जो है हमारा, यूनिट 6 सॉरी, 5 और 6 का थोड़ा मिक्सचर मैं कराऊंगी। 6 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 5 हाफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, पूरा मैं आपको करवाऊंगी। गुड इवनिंग जी, प्रभावती, इशिका, इशिका, शालू मौर्या, शिवांगी कौरव, नरेंद्र सरोज, अनामिका सिंह, विवेश कुमार, कुलदीप कुमार, वेलकम जी, पूजा कुमारी, प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून, रोशन शर्मा जी, हम बढ़िया जी, पूजा जी जी, प्रियावीश, हम बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है अभी फिलहाल। तो कल थोड़ा सा आपका क्लास में नहीं ले पाई, चलिए। रंजीत यादव, अनामिका, सुनीता ढाका, ओके वेलकम जी, बोली भैया। प्रियाविश, पूजा कुमारी, हेमा जोशी, हिमालय एडवेंचर, ओके, रीना चोकर, हेलो जी, मेनका देवगन, गुड आफ्टरनून जी। हाँ वही मैं आपको कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों बाद मिले हैं, है ना, ऐसा ही लग रहा है। चलिए करा दें, एक बार आप वो क्लास देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लगेगा जरूरी तो मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। वैसे मैं चाह रही थी कि इसी मंथ में आपका पूरा यूनिट 3 हम, मतलब नए मंथ से एकदम नया यूनिट हम स्टार्ट करें, पुराने को ना छेड़े, है ना। तो ये हमारा वैसे भी कंप्लीट होने वाला है, बरनी और रह गया राम मनोहर लोहिया, आज हम कर ही लेंगे मजेदार तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल बोरिंग तरीके से नहीं करना है भाई, लोहिया जी जो है, राम मनोहर लोहिया जी, अगर आप इनको बुक में पढ़ने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब इतना बोरिंग, पर हमें बोरिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है, बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है। अब आप सुनते जाइए और हम कहते जाएंगे कि भाई ये है क्या, ठीक है। सिंपल सिंपल कुछ बातें इनकी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं, सब रेडी हैं, आवाज साफ सुनाई दे रही है, मैं साफ दिखाई दे रही हूँ, सब चीजें क्लियर हैं, तो शुरू करें। चलिए, तो भाई ये थे हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए 1910 में। दो तीन चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है, दो तीन नहीं वैसे बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगी। इन्होंने 4 स्तंभ के सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने 7 सिद्धांत तोड़ दिए थे, किसी वो भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस में ये शामिल हुए शुरू में, लेकिन ये हो गए कांग्रेस विरोधी बाद में, ठीक है, ध्यान रहेगा, सिंपल एकदम बता रहे हैं। अच्छा आप भी अकबरपुर से प्रियंका जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर तो ये लोहिया जी आपको याद ही रहेंगे, है ना, बोरिंग है ना, हम बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। 4 स्तंभ, 7 इनके कुछ पॉइंट्स थे वो हम अभी करेंगे, ठीक है। 7 एक नियम कुछ बताए थे इन्होंने, कांग्रेस विरोधी ये थे, कांग्रेस में पार्टिसिपेशन, मतलब पार्टिसिपेशन कह रही हूँ, कांग्रेस में इन्होंने भाग जरूर लिया था, लेकिन बाद में ये उसके विरोधी हो गए थे। गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, गांधी जी का सर्वोदय और, ठीक है, गांधी जी वाली जितनी भी चीजें थी उनसे ये बहुत प्रभावित थे, ठीक है। सिंपल समझ आ रहा है, कहीं भी अटको, कहीं भी लगे मैम दिक्कत है, मुझे बता देना, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेना। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए, जो जो इन्होंने बुक्स लिखी, हमेशा हम बोलते हैं जो जो इन्होंने पत्रिकाएं लिखे, भाई बुक्स याद करो ना करो, जिन जिन उन्होंने जितना भी न्यूज़पेपर और ये सब चीजें लिखी है ना, वो पक्के से याद कर लेना, ठीक है। कांग्रेस विरोधी ये रहे, ठीक है, बाद में ये इनकी मृत्यु हो गई कांग्रेस में शामिल होने के बाद। नेहरू के खिलाफ भी एक बार खड़े हुए थे, ठीक है, किसमें,
नेता बनने के लिए, जीतने के लिए, सॉरी, जो वो नेता बनने के लिए एक तरीके से हो गया, तो जीतने के लिए एक बार कांग्रेस के खिलाफ भी खड़े हुए, तो वहां पर इनको विजय नहीं हासिल हुई, फिर ये उसके विरोधी के रूप में बाद में आए थे, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट। भाई ये बाहर भी गए थे पढ़ने, ऐसे नहीं कि ये इंडिया में पढ़ के आ गए, बाहर भी गए थे पढ़ने, ठीक है। वहां पर इनपे किसका प्रभाव पड़ा? मार्क्स का प्रभाव पड़ा, देख रहे हो। और ज्यादातर ये लोग क्यों थे? बीजेपी वाले थे, ठीक है। अब मैंने एक चीज नोट करी है, जितने भी हमारे नए थिंकर है ना, उन पर मार्क्स का बहुत प्रभाव पड़ा है। आपने नोट करी ये चीज? हाँ, 4 साल में ये कांग्रेस में शामिल थे, कांग्रेस में शुरू करा था इन्होंने। देखिए, कांग्रेस में शामिल हुए प्रतिनिधि के रूप में 1914 में। अच्छा, चार, सही कह रहे हो, यहाँ पे ईयर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, चार, सॉरी, यहाँ पे ईयर गलत लिखा हुआ है, 1934 होगा, ठीक है, 1934 होगा, 1914 नहीं, 1934। सही पकड़े हैं राहुल जी। चलिए, ईयर कभी कभी भाई टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इग्नोर कीजिए, ठीक है। अच्छा, आपने बता दिया, नहीं तो बाद में भी मैसेज आ जाते हैं कि मैम ये क्या लिखा हुआ आपने, 4 साल के बच्चे कैसे, ठीक है। तो ये 34 था, यहाँ पर 1914 हो गया ये गलती से, तो इसको इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक पत्र लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांग्रेस में शामिल थे भाई उस समय, इसलिए इन्होंने लिखा। भारतीय समाजवादी दल का निर्माण किया, देखिए पहले जो इन्होंने दल का निर्माण किया, बाद में उसका नाम भी इन्होंने चेंज किया। क्या नाम चेंज किया, क्यों किया, और दो तीन चीजें और ना, देखिए अंग्रेजी हटाओ का अभियान भी चलाया इन्होंने, अंग्रेजी हटाओ अभियान, और हिंदी को इम्पोर्टेंस दी, ठीक है, हिंदी को इम्पोर्टेंस दी कि हिंदी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, राजनीतिक चिंतक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, और देशभक्त भी थे। और ज्यादा फेमस ये किस लिए थे? ज्यादा फेमस अपने राजनीति में भागीदारी की वजह से ये फेमस थे। दूसरी चीज, इन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव, रंग भेद आदि को भी क्या किया भाई, इनके खिलाफ भी ये थे, ठीक है। और इस वजह से ये जो है ज्यादा फेमस रहे, क्योंकि जाति प्रथा, भेदभाव, इन सब छुआछूत, ये सब चीजों को भी खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। अभी तक जी, नरेंद्र जी, क्लियर तो कर दिया मैंने, अब कितना बार क्लियर करूं बताओ। चलिए, ठीक है, तो अभी तक जितना समझाया वो क्लियर है। 1963 में ये लोकसभा के सदस्य बने थे फाइनली, लेकिन इसके बाद ही, जैसे 1963 में ये लोकसभा के सदस्य बने, और 1967 में आई थिंक, मैं यहाँ पर क्लियर हूँ तो एक बार आपको पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो 1967 ही मुझे याद है, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मेरे को 1967 ही याद है फिलहाल, कि 1967 में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि कुछ सालों बाद ही, 4 साल, हार्डली 4 साल ये रहे थे लोकसभा के सदस्य के रूप में, बड़ी मुश्किल से जीते थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, ठीक है। और गठन इन्होंने क्या क्या किया था? हिंदू मजदूर सभा का और हिंदू किसान पंचायत का, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में, अगर पूछेंगे कि कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला, तो कौन सा निकाला? कांग्रेस सोशलिस्ट निकाला, ठीक है, सोशलिस्ट निकाला। और कौन सा इन्होंने निर्माण किया? भारतीय समाजवादी दल का निर्माण किया। ईयर भी पूछ लेता है कई बारी। मजदूर हिंदू मजदूर सभा का गठन किया, हिंदू किसान पंचायत का गठन किया, अंग्रेजी हटाओ अभियान चलाया, ठीक है। तो ये, और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें क्या क्या कहा है? मौलिक विचारक, क्रांतिदर्शी और सच्चे समाजवाद का प्रेरक स्तंभ। ये समाजवादी थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी, ठीक है, क्लियर है अभी तक जितना भी समझाया है।
हाँ 57 ईयर्स का तो वही हो गया ना, 67 मैंने बोला ना, 1967 में अगर 57 ईयर के डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, तो 1967 ही मुझे याद था, 1967 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, 57 ईयर में। चलिए, काफी बच्चे आ गए हैं जी, वेलकम जी सभी का। एक बार क्लास को देखिए, शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर मेरी क्लास पसंद आती है तो आपको शेयर जरूर करिए, लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एनटीए नेट बरखा के साथ, ठीक है। पीएचडी की उपाधि इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से ली और एक राजनीतिक दर्शन में इन्होंने पीएचडी ली थी, ठीक है, किसमें ली थी, पॉलिटिकल फिलोसफी में, फिलोसफी में, ठीक है, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में बर्लिन विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी करी थी। तो ये एक्चुअल में इनका नाम हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जैसे मेरे नाम के आगे लगा हुआ है ना डॉक्टर बरखा। कई बार फोन भी आ जाता है कि मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए आ जाओ। देखिए, इन्होंने एक जो इनका पीएचडी था, ठीक है, पीएचडी कहाँ से किया, बर्लिन से किया, 1932 में राजनीति दर्शन में किया। इनका पीएचडी का थीसिस का नाम क्या था, इनका था नमक और सत्याग्रह, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हो गई है प्रभावित, यही पे नमक और सत्याग्रह का मतलब है भाई, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित, 5 साल पूरा उन्हीं पे काम किया है कि क्या था नमक और सत्याग्रह, ये सब चीजें, ठीक है, तो पीएचडी सब इन्होंने नमक और सत्याग्रह पे गई। महात्मा गांधी से वो 1938 से ही प्रभावित होने लगे थे, जब वो इंडिया वापस आए, कौन, राम मनोहर लोहिया इंडिया वापस आए तो गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई और उनसे वो प्रभावित हुए। 1938 से 46 तक, 1938 से 1946 तक डटकर इन्होंने विरोध किया, किसका, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, ठीक है, उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया 1938 से 46 तक। कई बार ये जेल भी गए इस चक्कर में और 15 महीने, ठीक है, 15 महीने तक ये भूमिगत भी रहे। पहले आपने सुना होगा कई मूवीज में या फिर कई सीरियल्स में देखा होगा कि लोग जो होते थे भूमिगत होके अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, देखा होगा, जब हमारे पता नहीं आपने किसी सीरियल में, या मैंने तो कहीं देखा है मूवी में या इसमें, कि भूमिगत होकर देश के लिए लड़ते थे, क्योंकि अगर सामने आएंगे तो भाई पकड़ के ले जाएंगे, जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो फिर आप जेल में बंद रहोगे तो फिर लड़ाई कैसे लड़ोगे। तो ये इन्होंने लोगों को, जनता को, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही, ठीक है, बहुत सक्रिय रूप से ये भागीदार बन गए। 15 महीने भूमिगत रहे और वहीं पे इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक रेडियो, रेडियो चैनल, क्या स्टार्ट किया, रेडियो स्टेशन। पहले ऐसे व्यक्ति है अभी तक पूरे थिंकर्स में जिन्होंने अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया था, ठीक है, तो लोहिया का नाम आया रेडियो स्टेशन, याद, ठीक है, तो रेडियो स्टेशन शुरू किया, क्या नाम था, आजाद हिंद रेडियो, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, क्या नाम था इनके रेडियो स्टेशन का जी, बताएंगे जी, आजाद हिंद रेडियो, तो ये था इनका रेडियो स्टेशन का नाम, आजाद हिंद रेडियो। इससे क्या किया इन्होंने, जनता को जागरूक किया उपनिवेशवाद के खिलाफ, सारे चीजें दी, लोगों को भड़काया, जो भी कह सकते हैं, भड़काया तो नहीं कहेंगे, जागरूक ही किया, एक तरीके से सक्रिय भागीदारी हो उनकी, सब चीजों में उनका सपोर्ट मिले, लोगों का भी सपोर्ट हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में फायदा मिले, मतलब इसलिए उन्होंने ये सब शुरू किया था, ठीक है, रेडियो वाला। 1946 में नेपाल और गोवा की मुक्ति के लिए भी इन्होंने आंदोलन को प्रेरित किया था, ठीक है, ये दो चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये क्यों फेमस थे, सबसे पहली बात हमने बता दी, समाजवादी थे, जातिवाद का विरोध किया, सब चीजों का विरोध किया, ठीक है, रेडियो इन्होंने शुरू किया, एक क्या नाम था रेडियो चैनल का, रेडियो चैनल शुरू किया,
क्या नाम था? आजाद हिंद फौज की जगह आजाद हिंद रेडियो। ठीक है, हेलो जी, वेलकम जी सभी का। चलिए, आजाद हिंद रेडियो, तो आजाद हिंद फौज से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या चाहते थे। देखिए, ये जो है लोगों की जो दुर्दशा थी ना, उससे बड़े दुखी थे कि भाई लोगों की इतनी बुरी दुर्दशा कैसे है। तो पूरा जीवन इन्होंने उसी को सुधारने में लगा दिया। और केवल ये नहीं है कि सिर्फ भारत की जनसंख्या की भूख प्यास मिटानी है, उनकी दरिद्रता खत्म करनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में जितने मतलब वैसे लोग हैं ना जिनके प्रॉब्लम्स हैं, मतलब गरीबी है, भूखमरी है, ठीक है, तो ये सब जो है ना प्रॉब्लम जितने भी है, उनकी स्थिति है, पीड़ित है, दुखी है, हिंदी में हम बोलेंगे पीड़ित है, दुखी है, शोषित है, ठीक है, तो उन लोगों की स्थिति सुधारने का, सिर्फ भारत की नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की ये स्थिति सुधारना चाह रहे थे। ये भी इनका एक तरीके का नया विचार है जो हमें किसी और थिंकर में नहीं मिलता, जो और मतलब पूरे दुनिया के विश्व की ये चाहते थे, जिसमें ये क्या क्या गोरा काला स्त्री पुरुष गरीब अमीर ऊंच नीच ये सब विभेदों को, जितने भी ये होता है ना गोरा काला जैसे अफ्रीका में होता था स्त्री पुरुष का भेदभाव, तो ये सब अमीर गरीब ऊंचा नीचा ये सबको खत्म करना चाह रहे थे। हाँ, आजाद हिंद रेडियो, बहुत अच्छे। अच्छा, 1968 में हुई है, एक बार चेक करिए फिर से। अब रचनाएं कौन कौन सी है भाई, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैम कोई हेल्प नहीं कर सकती। सिर्फ ऐसे आप ध्यान दे दीजिए कि क्रांति की बात किसने करी, क्रांति के लिए संगठन, ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी एक अलग बुक है, ठीक है, तो इसको आईआर से मत जोड़िएगा। व्हील ऑफ हिस्ट्री भाई, ये इनका फेमस है व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये व्हील ऑफ हिस्ट्री वाली जो बुक है ना, ये हो गई भाई मार्क्स से, मार्क्स का इतिहास का चक्र है ना, इतिहास के जो बताते हैं चक्र कैसे साम्यवाद मतलब सामंतवाद था, फिर उसके बाद साम्यवाद आया, तो कैसे कैसे आदिम साम्यवाद युग था, फिर पूंजीवादी और ये सब आए, ठीक है, तो एक कैसे इतिहास का एक चक्र होता है, तो मार्क्स से ही प्रभावित होकर भाई व्हील ऑफ हिस्ट्री लिख दी इन्होंने। अब लिख तो दी, मार्क्स से प्रभावित भी हो गए। अब इंडिया के मामले में व्हील ऑफ हिस्ट्री क्या है वो भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, इतिहास चक्र इंडिया के संदर्भ में भी इन्होंने थोड़ा सा इसको जोड़ के देखा है व्हील ऑफ हिस्ट्री को, ठीक है, तो ये फेमस है इनका, याद रखिएगा व्हील ऑफ हिस्ट्री। किसी ने पढ़ा है कभी राम मनोहर लोहिया, तो वो भी अपना बता सकते हैं कि व्हील ऑफ हिस्ट्री के बारे में कितना नॉलेज है उनको। ठीक है, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, इंडिया पॉलिटिक पार्टीशन, फॉरेन पॉलिसीज, इंटरनल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, विल टू पावर। देखिए यहाँ पे ना शायद स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या, बाकी बुक्स में भी यही था, विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स, नोट एंड कमेंट्स, कृष्ण वाल्मीकि और विशिष्ट क्रांति के लिए संगठन, ठीक है, भारत विभाजन के लिए दोषी व्यक्ति, ये भी इनकी एक थोड़ा अलग सी बुक है जो आपको कहीं नहीं, व्हील ऑफ हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये तो इनका फेमस है जी। चलिए मैनकाइंड, और देखिए मैनकाइंड इन्होंने लिखी, ऐसे एमसीक्यू बन जाता है, मैनकाइंड लिखी इन्होंने कब, अंग्रेजी में, कौन सी भाषा में, इंग्लिश में, ठीक है, और जन लिखी इन्होंने पत्रिका, जन लिखी इन्होंने हिंदी में, ठीक है, तो ऐसे आ जाता है जन और मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड और जन, ये दो इन्होंने पत्रिका लिखी है। दूसरा हमने ये यहाँ पर एक पत्रिका देखी थी फर्स्ट पेज पर, कांग्रेस सोशलिस्ट, और कौन सी होगी, कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है, ये एक और पत्रिका हो गई, तो ये तीन पत्रिकाएं इनकी हो गई, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है,
भूमि सेना और एक घंटा देश को दो, भूमि सेना और एक घंटा देश को दो, ये इनका प्रमुख मौलिक चिंतन था। ठीक है, भूमि सेना का क्या मतलब हो गया कि ये जो इन्होंने भूमिगत रहकर सेना का निर्माण, मतलब भूमिगत हो जाते थे ना, अभी मैं हमने बात करी थी कि 15 महीने तक भूमिगत रहे, तो वहीं पर इन्होंने अपनी सेना का निर्माण भी किया। और एक घंटा देश को दो मतलब एक घंटा तो देश के लिए आपको निकालना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। जी पूर्णा चंद्रा प्रधान जी, हाँ कांग्रेस सोशलिस्ट थे ये, बहुत अच्छे। ठीक है, निचली जाति में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पांच ऐसे वर्गों को इन्होंने रखा जो निचली जाति के थे। निचली जाति में मतलब ये खुद नहीं कहना चाह रहे थे कि निचली जाति हैं ये लोग, ये चाहते थे कि देखिए ऐसा एमसीक्यू बन जाता है, ये इन सब की स्थिति सुधारना चाह रहे थे। इनमें कौन कौन है, निचली लोगों में, पांच वर्ग में, निचली जाति में देखिए ज्यादातर हम लोग शूद्रों को रखते हैं, है ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, तो शूद्रों में हम एक लिमिटेड लोगों को रखते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने जो पांच वर्ग को रखा है निचली जाति में, क्योंकि ये विश्व के जाति भेदभाव और ऊंच नीच इन सबको खत्म करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसमें किस किस को रखा, महिला को रखा, शूद्र को तो रखा ही रखा, हरिजन को रखा, मुसलमान को भी रखा और आदिवासी को भी रखा। ठीक है, तो महिला को, मुसलमान को और आदिवासी को, तो ये कुछ लोग हैं जिनको इन्होंने रखा है एक्स्ट्रा, जो बाकी लोगों ने और किसी ने, थिंकर ने नहीं रखा होगा। महिलाओं को कोई कोई रख लेता है, लेकिन मुसलमान और आदिवासी ऐसे, देखिए इसमें एमसीक्यू बन जाता है कि किन किन वर्गों को इन्होंने निचली जाति में रखा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना, इसलिए मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। अब देखिए शुरू में मैंने बताया था ये गांधी से प्रभावित थे, तो इनकी थीसिस भी पूरी उसी पे थी। ठीक है, गांधी से प्रभावित ही हो गए एक तरीके से। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का, ठीक है, पक्ष इन्होंने लिखा, विकेंद्रीकरण की बात की। ठीक है, मतलब सत्ता का एकीकरण नहीं होना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, गांधी के सत्याग्रह और खादी प्रयोग का भी समर्थन किया, किसका समर्थन किया, सत्याग्रह का और खादी का। ठीक है जी, मैं हेमा जी लिख दूंगी, मेरे को भी सर्च करना होगा, मैं थोड़ा सा सर्च करके आपको लिख दूंगी। ठीक है, समाजवाद के लक्ष्यों को लोहिया ने इतिहास के पुनर्व्याख्या के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, समाजवाद के लक्ष्यों को कैसे, इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से, मतलब इतिहास को दोबारा से बता के ऐसे इन्होंने समाजवाद के लक्ष्य को बताया। अभी क्या लक्ष्य है, कैसे उसको पाया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं समाजवाद में, वो सब भी अभी हम करेंगे। हाँ जी बता देंगे, डोंट वरी, मेरे को पता है कई बार ही ईयर से भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हील ऑफ हिस्ट्री का तो यहीं पे आ गया, देखिए 1955 में। ठीक है, इतिहास एक चक्र के समान घूमता है, क्या बोला इन्होंने, इतिहास एक चक्र के समान घूमता है। अब ये चक्र कैसे घूमता है, इसमें चार चरण होते हैं। ठीक है, ये इतिहास का चक्र है, व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात जो इन्होंने करी है। ठीक है, व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात इन्होंने करी है चक्र की, तो इन्होंने चतुर्युग के माध्यम से ऐसे ऐतिहासिक चक्र को समझाया है। जैसे पहला युग हो गया सतयुग, पहला युग क्या हो गया, सतयुग। दूसरा युग हो गया त्रेता युग, आपने सुने होंगे इन सब युग के नाम, सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, फिर हो गया हमारा द्वापर युग, द्वापर युग कृष्णा वाला था ना, फिर हो गया हमारा कलयुग। तो ये हमारे हो गए चार युग। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट, कोई भी मतलब चीज समझ नहीं आ रही हो तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। या
जी इंग्लिश में है ना, पारुल मैम बहुत अच्छा समझा रही हैं। पारुल मैम की क्लास आप ले सकते हैं, बिल्कुल इंग्लिश में इंग्लिश में उनका नोट्स रहता है। देखिए मेरी पूरी कोशिश है, नेक्स्ट मंथ से जो मैं आईआर लाने वाली हूँ ना, इंटरनेशनल रिलेशन, वो पूरा आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। बट लेकिन मेरे बोलने वाली लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही रहेगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। ठीक है प्रधान जी, हाँ हम लोग कलयुग के शैतान हैं, ठीक है, हम कलयुग में पैदा हुए हैं और कलयुग में ही, और इससे ज्यादा कलयुग तो किसी ने नहीं देखा होगा जो कोरोना टाइम में आ गया, कोरोना का कलयुग, चौथा युग लग लो कोरोना युग, ये हमारा पांचवा युग है, ये पांचवा युग चल रहा है कोरोना युग। आईआर क्यों नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे हेमा जी। अच्छा आपको इंग्लिश में चाहिए था क्या? ओके सुनीता ढाका जी, पूरी क्लास लीजिए आप, मस्त। चलिए तो ठीक है, इतिहास का पहिया समझ आ गया, जो व्हील ऑफ हिस्ट्री इन्होंने दिया है, 1955 में इन्होंने बुक लिखी, उसमें जैसे मार्क्स ने अपने अपना युग बताए थे कि भाई ये युग होता है, फिर ये युग होगा पूंजीवाद साम्यवाद, फिर ठीक है, तो ये सारे जो उन्होंने युग बताए हैं, उसके बाद ऐसे ही चार युग जो बता दिए इन्होंने इंडिया के बारे में, तो ये इनके चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पांचवा युग, सॉरी चार के बारे में ही पूछेंगे, पांचवा मैंने अपने से ऐड किया है, ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर देती हूँ मैं, ये इसलिए कि आपको याद रहे कि आप कौन से युग में रह रहे हैं, आप कलयुग में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये चारों युग याद रखिएगा, व्हील ऑफ हिस्ट्री क्या, हाँ कोरोना युग। हाँ देखिए अनामिका जी ने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी, कि इंग्लिश में तो बहुत एजुकेटर है कि मैम, हाँ हिंदी में, चलिए चलिए, काफी लोग जो हैं हमारे समर्थन में हो गए हिंदी वाले के, ठीक है भाई, हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे आपके लिए, इंग्लिश वालों के लिए हम, मैं साइड में लिख दूंगी नोट्स, पूरा होगा, आप भी इसको रीड कर पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी को मैं पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है अच्छा एजुकेटर मिलना, ठीक है, क्योंकि उनको इंग्लिश में समझ नहीं आता है, तो ये है इनका नारा था, भोजन दो या जेल में रखो, ठीक है, ये नारा भी ध्यान रखिएगा। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट बात है ना, मैं आपको पूरा गोल गोल करके ऐसे पूरा घेरा बना के मैं बता देती हूँ, भाई इस पे एमसीक्यू बन सकता है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, सब चीजों का इन्होंने, देखिए गांधी जी के कई चीजों से ये प्रभावित थे जैसा कि पता है, लेकिन ट्रस्टीशिप का जो इनका सिद्धांत था गांधी का, ट्रस्टीशिप वाला जो इनका सिद्धांत था, उससे ये सहमत नहीं थे। इन्होंने क्या बोला, और जो उद्योगीकरण का भी इन्होंने समर्थन किया, भारी उद्योगीकरण और चरखा के विचारों का समर्थन नहीं किया, उद्योगीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच इन्होंने समन्वय स्थापित किया, ठीक है, और असंवेदनशील तानाशाह सरकार के खिलाफ हिंसा की बात भी इन्होंने करी, मतलब जरूरत पड़े तो भाई हिंसा भी, क्योंकि देखिए इनकी एक्टिविटी कैसी थी शुरू से अभी तक जब तक मैंने बताई है, कैसी एक्टिविटी थी, राजनीति में भी एकदम विरोध की राजनीति में ये आए, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छी राजनीति में ये, मतलब इन्होंने पोलाइटनेस थी या ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल विरोधी दल के रूप में ये खड़े हुए, ठीक है, तो हिंसा की राजनीति, हिंसा मतलब समर्थन ये कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी टाइप के थे आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, गांधी जी के बहुत समर्थक थे, क्योंकि गांधी जी के कुछ कुछ आंदोलन जो होते हैं, ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था कि अंग्रेजों से भाई छुटकारा पाना है ना, उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना है, तो वहां पर गांधी जी को जब इन्होंने देखा कि भाई ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये इस तरह के कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं, सत्याग्रह हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, तो उससे ये प्रभावित हुए, जन आंदोलन था क्योंकि वो, ठीक है, कि भाई ये तो बंदा तगड़ा लग रहा है, ये हमें आजादी दिला के रहेगा,
तो ये वाली चीज इनके मन में थी इसलिए उससे प्रभावित रहे। लेकिन ट्रस्टीशिप वाला जो सिद्धांत था कि भाई सारी दौलत जो है वो कि हम एक ट्रस्टी के रूप में हैं और आप पे इसका हक नहीं है, आप सिर्फ ट्रस्टी हैं, भगवान ही है सब दौलत का ट्रस्टी, तो मतलब सॉरी सब दौलत जो है वो ईश्वर की होती है, आप सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, तो ये वाला जो सिद्धांत था इसके ये खिलाफ थे। क्योंकि पैसे तो चाहिए ना लोगों को अपना डेवलपमेंट करने के लिए, खाने के लिए, अपनी बेसिक जरूरतों के लिए पैसे तो चाहिए ही है, तो उसको ट्रस्टीशिप वाले सिद्धांत के ये खिलाफ थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हिंसा की भी ये बात कर रहे थे। चलिए क्लियर है अभी तक? समाजवाद, इन्होंने समाजवाद के तीन तत्व बताए हैं। क्या तीन तत्व हैं वो? ठीक है, गांधीवादी तकनीकी से समाजवाद लाने की बात इन्होंने करी, गांधी से प्रभावित थे क्योंकि, तो गांधीवादी तकनीकी से इन्होंने समाजवाद लाने की कोशिश करी। तो इन्होंने क्या बोला, सभी उद्योगों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो, ठीक है, समूचे संसार में जीवन स्तर सुधारे, मतलब समूचे संसार की बात हो रही है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला है जब ये ह्यूमन की बात नहीं करते हैं, सिंगल एक ह्यूमन की बात नहीं करते, पूरे विश्व की बात करते हैं, ठीक है, सारे उद्योगों का, बीमा कंपनियों का क्या हो, राष्ट्रीयकरण हो, संसार के समूचे संसार के जीवन स्तर को ये सुधारना चाह रहे थे, और एक विश्व संसद की स्थापना ये चाह रहे थे, एक विश्व संसद। तो ये तीन तरीकों से समाजवाद लाना चाह रहे थे, और समाजवादी तरीके इनके कैसे थे, समाजवादी तरीके ये गांधीवादी तरीके थे इनके, ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक समाजवादी भी थे। कुटीर उद्योग की स्थापना पर इन्होंने बल दिया, आर्थिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करी, ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी लक्ष्य माना, ठीक है, ग्राम पंचायत भी स्थापना ये चाह रहे थे। अब अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक विषमता जो चल रही थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या-क्या किया, उत्पादन मूल्य मूल्य से विक्रय मूल्य 1.5 गुना नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उत्पादन, जब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमारा उत्पादन होता है, उत्पादन तो हो रहा है, मान लीजिए आप कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, उत्पादन कर रहे हो रहा है 1 रुपए का, और विक्रय आप खर्च कर रहे हो 2 रुपए, तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, हम जितना उत्पादन कर रहे हैं हमें खर्चा भी उतना ही करना है, 1 रुपए का करना है, हम अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो हमें खर्च भी 1 रुपया ही करना है, 2 रुपए नहीं करने क्रेडिट कार्ड लेके, जैसे क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चा, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है, तो औसत आय में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। देखिए एक चीज और इनके बारे में ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोहिया पढ़े ना तो आप ये ध्यान रखिए कि इन्होंने फैक्ट्स के आधार पर विरोध किया, अगर इन्होंने कांग्रेस का विरोध भी किया तो तथ्यों के आधार पर किया, फैक्ट्स के आधार पर किया, सब चीजें सामने लेकर आए, भाई हमारा जो है ग्रॉस मतलब 19 पैसा जब हमारा रह जाएगा, भारत का मूल्य 19 पैसा, इतना कम, और आप देखेंगे ब्रिटिश काल में वो महंगा था, तो इतना कम जब रह जाएगा, तो इन्होंने फैक्ट सामने लाए कि हमारी औसत आय जो है बहुत कम होती जा रही है, ये सब चीजें कम होती जा रही है असल में, तो उस चीज को ये सुधारना चाह रहे थे, इकोनॉमी चीज, इकोनॉमिक हालात को, ठीक है, तो पहला चीज समझ आ गई, 1 रुपए की जगह 2 रुपए नहीं खर्च करने हैं, 1 रुपया ही खर्च करना है। दूसरा हो गया हमारा औसत आय निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए, मतलब औसत आय अगर आपकी 1 महीने 1 साल की औसत आय निकलती है ना, तो वो औसत आय में हमेशा बढ़ोतरी होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहने चाहिए, क्या हो गया, उत्पादन मूल्य, औसत आय, कृषि में परिवर्तन, जैसे कि कृषि
अच्छे अच्छे तरीकों से, जैसे हम आपने देखा होगा कि कई सारी कृषि से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारे जैसे ऑनलाइन भी चलते रहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा दे रहे कृषि को, के बीज वगैरह की ये सब चीजें, नॉलेज फोन पर शिक्षा दे रहे कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये सब ठीक है। तो ऐसे तरीके की टेक्निक्स नई नई आती जा रही है कृषि में कि कैसे अच्छी खेती की जाए, सिंचाई सुविधाएं में वृद्धि की जाए, भू अन्न सेना का निर्माण किया जाए, जो बेकार पड़ी भूमि है उसे कृषि योग्य बनाया जाए। तो इस तरह के उपाय इन्होंने दिए थे अर्थव्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए, ठीक है। उत्पादन के साथ साथ वितरण की व्यवस्था को भी संतुलित बनाया जाए, मतलब उत्पादन तो हो ही हो लेकिन वितरण भी सही तरीके से हो। ये नहीं हो कि उत्पादन तो आप कर रहे हो लेकिन बंटवारा उसका सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अन्न बांटो आंदोलन पर बल दिया, देखिए अब ये एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पर, अन्न बांटो आंदोलन किसने दिया था, अन्न बांटो आंदोलन इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा बीच में से कुछ भी, ठीक है। अन्न बांटो आंदोलन किसने दिया, लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने, ध्यान रखिएगा। राज्य की ओर से मुफ्त रसोई घर की स्थापना की सलाह दी, मतलब रसोई घर मुफ्त, रसोई घर स्थापित करने की सलाह, मुफ्त रसोई घर स्थापित करना, अनाज के व्यापार का समाजीकरण करने का सुझाव, ठीक है। अनाज का व्यापार जो होता है उसका समाजीकरण हो, मतलब एक निश्चित मूल्य से एक तरीके से क्या कर बाजार पर नियंत्रण लगाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं, के हमारा जो है मूल्य जो है वो अधिक मात्रा में ना बढ़े। जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना टाइम में अगर सब चीजों की दुकानें बंद हो रही हैं तो भाई सरकार, या तो अब देखिए कि और भी चीजें अगर दुकान ना लेकर हम इसको ले सैनिटाइजर को ले, सैनिटाइजर अभी आप देखेंगे 200-250 रुपए में हाफ 500 लीटर मिल जाता है, ऐसा कुछ है ना शायद, है ना प्राइस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, 200-250 में आपको मिल जाता है 500 लीटर, ठीक है। अगर ये रेट सरकार तय नहीं करती तो फिर आपको ये कितना महंगा मिलने वाला था सैनिटाइजर भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोअर प्राइस में ताकि सब लोगों तक पहुंचे, तो ये सरकार जो है ऐसे काम करते रहना चाहिए, ठीक है। अब इनका मेन इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, मैंने शुरू में भी बताया था 4 स्तंभों की बात करी है और 7 कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं और, ठीक है। तो 4 स्तंभ क्या थे, 4 पिलर क्या थे, किसने दिए हैं, लोहिया ने दिए हैं। इसमें 4 पिलर का मतलब है 4 वाली व्यवस्था, ठीक है। अब इन्होंने 4 युगों की बात कर दी, वो ध्यान रखना, और 4 चौखंबा शासन की बात कर दी, इसमें होगा ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, क्या क्या होगा। ऐसे भी एमसीक्यू आ जाता है कि चौखंबा शासन में 4 पिलर में इनका क्या क्या चीजें इन्होंने इंक्लूड करी है, तो किया है गांव को, मंडल को, प्रांत को और केंद्र को, ठीक है। एंडी जी वेलकम, हम बहुत अच्छे हैं जी। तो ठीक है, ये 4 चीजें थी इनके चौखंबा शासन का ये, ठीक है। तो समाजवादी प्रजातंत्र पर इन्होंने बल दिया, अपनी जो अपनी इनकी बुक थी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में चौखंबा शासन का विचार इन्होंने दिया। ऐसे भी एमसीक्यू बन जाता है कि कौन सी बुक में चौखंबा शासन का विचार दिया है, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में, ठीक है। तो ऐसे भी बन जाता है, हाँ तभी तो उस पर नियंत्रण लगाया ना। तो यही वो चाह रहे थे, यही लोहिया भी चाह रहे थे कि भाई जो अनाज का नियंत्रण उस पर, ऐसे जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे नमक का मूल्य आप देखेंगे कभी नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है। आपके टाइम में शायद, मेरे टाइम में तो था 6-7 रुपए नमक 1 किलो, अभी 20 रुपए हो गया है शायद ना, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है लेकिन शायद 20 रुपए या 18 रुपए ऐसे कुछ है। तो ये जो नियंत्रण है ये सरकार लगाती है ताकि हर मतलब गरीब से गरीब के पास भी ये चीजें पहुंच सके, उनकी बेसिक जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है जी। एंडी जी बता तो दिया, हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो चौखंबा में इन्होंने क्या था, निम्न स्तर पर गांव होगा, जैसे देखिए ये ऐसे था, सबसे नीचे हो गया ग्राम, ठीक है, इसके ऊपर हो गया मंडल, इसके ऊपर हो गया प्रांत,
और इसके ऊपर हो गया केंद्र। तो ऐसे थी ये व्यवस्था, समझ गए? ग्राम, मंडल, प्रांत, केंद्र, ऊपर की तरफ। ठीक है, सबसे छोटा ग्राम हो गया, फिर मंडल हो गया, फिर प्रांत हो गया, फिर केंद्र हो गया। क्लियर है? तो ये था इनका चोखंबा शासन, के शासन जब होगा तो इस तरह से होगा। और कौन सी बुक में ये दिया है? सोशलिस्ट पॉलिसी, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। क्लियर है अभी तक सभी को? सभी चीजें क्लियर हो रही है? कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। चलिए देखिए, और भी चीजें इन्होंने बताई है कि शासन सशस्त्र सेना केंद्र के अधीन होनी चाहिए, सशस्त्र पुलिस प्रांत के अधीन होनी चाहिए, मतलब जो सेना होगी वो केंद्र के अधीन होगी, जो पुलिस होगी वो प्रांत के अधीन होगी, और जो अन्य पुलिस होगी, अन्य पुलिस वो मंडल के अधीन होगी। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बांटा था सेना को भी। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। चोखंबा शासन का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति को राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान हो, दंड शक्ति का प्रयोग न्याय हेतु होना चाहिए, मतलब एक विधि के अनुसार होना चाहिए। भारतीय में संघात्मक शासन का इन्होंने विरोध किया। किसका विरोध किया? ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। किसका विरोध किया? संघात्मक शासन का, क्योंकि संघात्मक शासन कैसा होता है? केंद्र पर आधारित होता है, और ये केंद्र पर आधारित ना चाहकर विकेंद्रीकरण चाह रहे थे, शक्तियों का बंटवारा ये चाह रहे थे। वयस्क मताधिकार के आधार पर इन्होंने बोला कि चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए इन्होंने विश्व सरकार का पांचवा खंभा भी जोड़ने का विचार दिया। तो चार स्तंभ में अगर पूछे कि पांचवा स्तंभ कौन सा ये लाना चाह रहे थे, ऐसे एमसीक्यू आ जाए, ऐसे एमसीक्यू आ जाए कि फोर पिलर की जो बात करी है, क्या क्या हो गया उसमें? ग्राम हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, मंडल हो गया, प्रांत हो गया, और केंद्र हो गया। उसके बाद ये क्या चाह रहे हैं? पांचवा कौन हो? सीमित अधिकार वाली या मत अधिकार पे चुनी हुई विश्व सरकार। क्या हो पांचवा स्तंभ? विश्व सरकार। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू आ सकता है पक्का। विश्व संसद के निर्माण का सुझाव इन्होंने दिया था। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी फर्स्ट पेज पे ही, कि विश्व की संसद का निर्माण, जितना भी विश्व वाली चीज आ जाए, तो भाई विश्व की बात हमारे लोहिया जी ने करी है, सीधे सीधे आप लगा दीजिएगा। जी हाँ, देखिए, अब शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात ये जरूर कर रहे हैं केंद्र में, लेकिन देखिए पूरी शक्ति तो नहीं दी ना इसको भी। सशस्त्र सेना को केंद्र में रखा है, सशस्त्र पुलिस को इन्होंने प्रांत में रखा है, और अन्य पुलिस को मंडल में रखा है, मतलब पुलिस का भी एक तरीके से ये जो शक्ति होती है इसका भी बंटवारा कर दिया। ठीक है, उसको किसी एक के हाथ में नहीं है। कुमार अरविंद जी, कॉमर्स की मैम है ना हमारी, इतनी सारी कॉमर्स की मैम है, आप किसी से भी बात कर लीजिए, वहां पर वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगी। आप पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर से अच्छा बुक पूछेंगे कॉमर्स का, तो बताइए ये कैसा क्वेश्चन है। आप कॉमर्स वाली मैम से पूछ रहे, वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच परिसंघात्मक शासन के निर्माण का भी इन्होंने समर्थन किया। अब सप्त क्रांति की बात इन्होंने करी थी। ठीक है, मेरे को सात कुछ याद आ रहा था, 7 पॉइंट्स कुछ दिए हैं, तो 7 क्रांतियां इन्होंने दी है। ठीक है, तो 7 क्रांतियों की बात इन्होंने करी है, 7 तरह की क्रांतियों की बात हो गई। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो गया इनका? 7 क्रांति हो गई, 4 चौखंबा वाला सिद्धांत हो गया, 4 पिलर्स, एक हमारा क्या हो गया जो व्हील ऑफ हिस्ट्री में 4 युगों की बात हो गई। ये आपको पक्का पक्का ध्यान रखना है, इनकी पत्रिकाओं का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
सप्त क्रांति में क्या क्या चीज है? स्त्री पुरुष के लिए समान क्रांति होनी चाहिए, चमड़ी के रंग पर मतलब काले गोरे के भेद के आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? असमानता के विरुद्ध क्रांति, पहली क्रांति क्या हो गई? स्त्री पुरुष की समानता, ठीक है? फिर हो गई रंग की समानता, ठीक हो गई जन्म जात जाति प्रथा, पिछड़े लोगों के लिए अवसर के लिए क्रांति, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब करने की, उसके लिए इन्होंने क्रांति करी। अब सात क्रांति क्यों ये फेमस है? इसीलिए फेमस है क्योंकि सामाजिक रूप में भी इन्होंने काफी योगदान अपना दिया, राजनीति में भी काफी योगदान दिया, ठीक है? स्त्री पुरुष समानता की बात हो गई, चमड़ी के रंग की हो गई, जन्म जात जाति प्रथा की और पिछड़े वर्गों के लिए अवसर की समानता हो गई, ठीक है? विदेशी गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता के विश्व लोकतंत्र के लिए क्रांति हो गई, मतलब जो हमारे उपनिवेशवादी व्यवस्था थी उसको भी ये खत्म करना चाह रहे थे। निजी पूंजी के विषमता के खिलाफ, ठीक है? और योजना द्वारा पैदावार हुई बढ़ाने हेतु क्रांति, ठीक है? मतलब हमारी जो है आर्थिक ग्रोथ हो, हमारी खेती वगैरह बढ़ाए, ठीक है? ये चीज हो गई। और निजी पूंजी की विषमता जो है वो समाप्त हो, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ व लोकतंत्र पद्धति के लिए क्रांति हो, ठीक है? अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्रांति हो, ठीक है? तो सत्याग्रह के लिए क्रांति हो, सत्याग्रह के लिए क्रांति बोल रहे हैं, क्रांति होनी चाहिए। तो क्रांति की बात तो इन्होंने करी है, सप्त क्रांति की बात करी है पर, ठीक है? और ये क्रांति किस तरह की थी? सामाजिक क्रांति थी, इक्वेलिटी लाने के लिए थी, भेदभाव खत्म करने के लिए थी, स्त्री पुरुष समानता के लिए थी, है अवसर की समानता के लिए थी, ठीक है? गुलामी के खिलाफ ये क्रांति थी, निजी पूंजीपति के खिलाफ ये क्रांति थी, अन्यायी हस्तक्षेप लोकतंत्र की पद्धति के लिए ये क्रांति थी। तो ऐसे आपको एक एक वर्ड में इसको लिख लीजिएगा, स्त्री पुरुष, रंग, असमानता, अवसर, जाति, ठीक है, गुलामी, इस तरह से आप ये सात वर्ड में इसको क्रांति का या सर्कल बना के जैसे भी आपको अच्छा लगे ऐसे आप कर लीजिएगा। इस पे से क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल वाला भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे नॉर्मल भी बन सकता है कि ये वाली क्रांति की अवधारणा किसने दी थी, इस क्रांति की अवधारणा में मतलब ये दो इनमें से पॉइंट रख देंगे, पूछेंगे कि ये किसने दी, ठीक है? तो ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन आपका अरे बन सकता है। क्लियर है अभी तक? जितना भी मैंने बात की बताया है आपको, सब चीजें क्लियर है सभी को, मेरे को एक बार बता दीजिए, ठीक है? बस हमारा बस ये आखिरी, फिर आपकी क्लास ओवर, ठीक है? अब देखिए, राजनीति में भागीदारी, कांग्रेस विरोधी मोर्चा, मैंने शुरू में ही बताया था 1960 में इन्होंने, ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए डाला था, ये था नहीं बुक में, ठीक है? तो 1960 के बाद इन्होंने संसद में प्रवेश पाने की कोशिश करी, 1962 में इन्होंने नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़ा जिसमें असफल रहे, 1963 में फारुखाबाद से उपचुनाव में लोकसभा के सदस्य के रूप में ये चुने गए और शासन की कड़ी आलोचना का मार्ग इन्होंने अपनाया और जिंदगी भर ये राजनीति में जितनी गलतियां थी और पूरा फैक्ट पर आधारित थी इनकी सारी चीजें, जितनी भी राजनीति में गलतियां थी कांग्रेस जो कर रही थी, एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मोर्चा अपनाया था, ठीक है? तो ये था पूरा हमारा राम मनोहर लोहिया के विचार। कोई भी दिक्कत, कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम सामने आ रही है तो मुझसे बात कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, NTA नेट बरखा, इसको आप ज्वाइन कीजिए। बाकी मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो बरखा शिवा वाले चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है ये हमारा इस पर, लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करिएगा, ठीक है? अदरवाइज आपको पता ही है हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपको डिमांड हो कि मैम हमें ये पढ़ना है, आप ये पढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ, तो आप एडवाइस कर सकते हैं, आपके क्या इंटरेस्ट है, तो ये वाले चैनल पर NTA नेट बरखा में आप कहीं पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। NTA नेट बरखा में मैसेज नहीं छोड़ पाएंगे, वहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस का पूरा डिटेल मिलेगी कि मेरी क्लासेस कब कब है, कहाँ कहाँ है। तो डेली आपकी तीन क्लासेस, आप तीन डेली 3 बार मुझसे मिलने वाले हैं, 1 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं हमारी रेगुलर क्लासेस,
ठीक है, रेगुलर तो अभी भी हो रही है, लेकिन अभी आपकी 11 बजे वाली क्लास नहीं हो रही है ना, स्पेशल क्लास नेक्स्ट मंथ से हमारी 11 बजे वाली भी शुरू हो जाएगी। चलिए बस इतना ही था, किसी को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा कोड जरूर यूज करें, BS10 मेरा कोड है, ठीक है, BS10, बरखा शिवा मेरा नाम है, फर्स्ट लेटर B, बरखा, S मतलब शिवा, 10 मतलब 10% ऑफ, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा, मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लस का कोर्स अगर ले, सब्सक्रिप्शन अगर आप ले अनअकैडमी के साथ, अगर आप जुड़ते हैं, अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो BS10 कोड जरूर अप्लाई करें, BS10 कोड लगाते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करें, मिलते हैं, यूरोपियन थिंकर, जितना आपके कोर्स में है ना वो तो मैंने करा दिया आपको, वेस्टर्न थिंकर्स विवेश कुमार जी, जितना मैं आपके कोर्स में है वो मैंने आपको पूरा यूनिट 2 करवा दिया है स्पेशल क्लास में, आप एक बार जाके मेरी स्पेशल क्लास देख लीजिए। कार्ल मार्क्स मैंने यूट्यूब पे करवाया है, 4 थिंकर्स मैंने प्लस पे करवाए हैं, और बाकी सारे मैंने स्पेशल क्लास में आपको कंप्लीट कराए हैं लास्ट मंथ में ही। मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिएगा, बरखा नाम से आपको मिलेगी अनअकैडमी ऐप पर, वहां पर आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें प्रॉपर तरीके से बने हुए, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे 4 बजे, बाय बाय। कल आपका लास्ट ये चैप्टर होगा यूनिट 3 का, बर्नी वाला, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, बाय बाय।